रही है जहां नक्सलियों ने सुरक्षा बल के कैंप पर हमला कर दिया है। नक्सलियों ने 15 से 20 राउंड UBGL दागे हैं। जवानों की जवाबी कार्रवाई में नक्सली वहां से भाग गए हैं। नक्सलियों ने सुरक्षा बल के कैंप पर हमला किया, जिसके बाद यहां पर नक्सलियों द्वारा 20 से 15 राउंड के UBGL दागे गए हैं। हालांकि जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद नक्सली यहां से भाग गए। मनेंद्रगढ़ से खबर आ रही है, बस ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई। बस ने बाइक को सामने से टक्कर मारी है। जनकपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है और यहां पर बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई। बस ने बाइक को सामने से टक्कर मारी दरअसल, और ये पूरा हादसा जनकपुर थाना क्षेत्र में हुआ है। राजधानी रायपुर में पार्किंग व्यवस्था के लिए चौक चौराहों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है, जहां रोज सैकड़ों लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। ऐसा ही एक मल्टी लेवल पार्किंग रायपुर के जयस्तंभ चौक पर भी बनाया गया। 15 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पार्किंग का बेसमेंट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। यहां 8 से 10 फीट पानी लबालब भरा हुआ है। आसपास के इलाके का पानी बेसमेंट के ही दीवारों में पड़ी दरारों से बेसमेंट में पहुंच रहा है, जिससे गंदगी और बीमारी के साथ हादसे का डर बना हुआ है। तो बेसमेंट अब गंदगी का अंबार बन चुका है। पानी का लेवल आप देख सकते हैं। पार्किंग की व्यवस्था के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनाए गए हैं। चौक चौराहों पर ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाए गए हैं और ऐसा ही एक मल्टी लेवल पार्किंग राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर बना है। और इस मल्टी लेवल पार्किंग की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। तस्वीर देखते ही आप भी यहाँ के हालात देखकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल इस मल्टी लेवल पार्किंग का ये बेसमेंट है और इस बेसमेंट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बेसमेंट पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ है और करीब 10 फीट की इसकी गहराई है और 10 फीट तक इस बेसमेंट पे जो है पानी भरा हुआ है। दरअसल ये पानी जो है बेसमेंट की दीवारों में दरार आने की वजह से अंदर घुसी हुई है और करीब एक हफ्ते से इस बेसमेंट के हालात यही बने हुए हैं और इसकी जानकारी भी अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन अभी तक इस बेसमेंट से पानी खाली कराने को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और एक तरह से 10 फीट तक गहरा ये बेसमेंट हादसों को न्योता देता है। इससे पहले भी तमाम तरह की खबरें जो है वो सामने आई, लेकिन उसके बाद भी इस पर जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा। आगे ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बेसमेंट को कब खाली कराया जाता है, क्योंकि 10 फीट गहरा ये बेसमेंट, इस बेसमेंट में कई हादसे जो है वो हो सकते हैं और एक तरह से हादसों को ही न्योता दिया जा रहा है। और अधिकारियों को बताने के बाद भी अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो कहां पर कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं।